मैं कमलजीत कौर DSCJ टेली क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। इस लेसन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। GNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्रिस्क्राइब बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 का लेसन नंबर 7 है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जान जाएंगे, आपको रोडवेज के बारे में पता चल जाएगा, देन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, देन आप नेशनल हाईवेज के बारे में आपको पता चलेगा, स्टेट हाईवेज के बारे में, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में, देन बॉर्डर रोड्स के बारे में भी आपको जानकारी हासिल होगी। फिर उसके बाद रेलवेज के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा एंड द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज, ये भी आपको पता चलेगा। और लास्ट में आपको पाइपलाइंस के बारे में पता चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ रन करती हैं, मेजर पाइपलाइंस कौन सी हैं इंडिया में, और पाइपलाइंस के थ्रू किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा। तो इस लेसन में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लाइफलाइन बोला गया है नेशनल इकोनॉमी का, अगर हमें अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो हम कितनी भी इंडस्ट्रीज लगा लें, कितना भी हमारे पास सेटअप हो जाए, पर जब तक जो उन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हुई है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, जब तक उन्हें हम इंडस्ट्रीज से मार्केट में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उन गुड्स की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट तब तक नहीं होती है जब तक उसका जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, जो इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन हुई है, जब तक वो असली कंज्यूमर तक या जिनके लिए बनाया गया है वहां तक नहीं पहुंचे। इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बोला गया है। दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट खाली लार्ज स्केल प्रोडक्शन से नहीं होता। एक होती है डिमांड और दूसरी है सप्लाई, और इन दोनों को कनेक्ट करता है ट्रेडर। पर ट्रेडर्स जो हैं वो गुड्स को अपने सर पे तो उठा के कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, उसके लिए उसे एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। देयरफॉर फॉर नेशंस डेवलपमेंट अ डेंस एंड एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्विजिट। Transport, communication and trade are complementary to each other. They are linking India with the world. Transport, communication और trade जो है इंडिया को वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वन इज लैंड, वाटर एंड एयरवेज। तो लैंड में हम उसको और आगे ज्यादा क्लासिफाई करते हैं रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। देन वाटरवेज में आते हैं इनलैंड एंड ओवरसीज। फिर उसके बाद है एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। देन डोमेस्टिक एयरवेज को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है पब्लिक एयरलाइंस एंड प्राइवेट एयरलाइंस। तो पब्लिक वो हुए विच आर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट आर लाइक किंग फिशर, आई थिंक वो आजकल बंद हो गई, स्पाइस जेट है, इंडिगो, विस्टारा, ऑल दीज आर प्राइवेट एयरलाइंस। लेट्स बिगिन विद रोडवेज। तो जब भी हम किसी भी नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो आपको ये सारी चीजें बेटा पॉइंट्स बना के अपनी कॉपीज में नोट करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रोडवेज के साथ। तो आप एक नोटबुक रखिए साथ में और उसमें आप नोट करते जाइए कि रोडवेज के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या
नुकसान है। फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि विच वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बेटर, कंफर्टेबल, चीपर। तो ये सारी चीजें आप जब उनके फायदे और नुकसान सबके देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। इंडिया में बहुत सारी रोड्स हैं। इंडिया में 5.89 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड्स हैं एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इसमें नेशनल हाईवेज भी आते हैं, स्टेट हाईवेज भी आते हैं, रीजनल हाईवेज भी आते हैं और अर्बन एंड रूरल रोड्स भी इसमें आती हैं। बच्चे आप लोगों ने ट्रेन में भी ट्रैवल किया होगा, रोड में भी ट्रैवल किया होगा, आपको रेलवेज और रोडवेज दोनों के बारे में पता होगा। लेकिन आज के टाइम में रोड्स की ज्यादा इम्पोर्टेंस है एज कंपेयर टू रेलवेज। तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ रीजंस बताती हूँ व्हाई रोड्स आर प्रेफर्ड मोर देन द रेलवेज। फर्स्ट है कि रोड्स का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू रेलवेज। जो रेलवे लाइन बिछानी होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एज कम्पेयर टू लेइंग डाउन अ रोड। पैसा भी बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद जो अनइवन टेरेन होता है वहाँ रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हिली एरियाज हो गए। लेकिन रोड्स जो हैं वो इकोनॉमिकल है, रोड्स को बिछाना इज मच मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू रेलवेज। उसके बाद जब ट्रैवलिंग की बात करते हैं कि रोड्स आर इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे तो आप सोचेंगे कि रेलवे टिकट भी बहुत सस्ती है, रेलवे में भी हम सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हम बहुत इजीली ले जा सकते हैं। बट जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे रेलवेज से सामान ले जाना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इन दैट केस रोड्स आर मोर इकोनॉमिकल। उसके बाद रोडवेज का एक सबसे बेस्ट पॉइंट है डोर टू डोर सर्विस। ये सर्विस जो है ना आपको एयरवेज प्रोवाइड कर सकता है, ना वाटरवेज एंड ना ही रेलवेज। ये सर्विस सिर्फ आपको रोडवेज ही प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रोडवेज एक्ट एज फीडर मोड टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स जो है आपको घर से लेके आपके जहाँ जिस पॉइंट पे एंड पॉइंट जहाँ पर आपने जाना है वहाँ पर आपको पहुँचा सकता है बहुत इजीली एज कंपेयर टू रेलवेज। अब जैसे आपने एरोप्लेन में जाना है तो एरोप्लेन आपके घर के बाहर तो आएगा नहीं, या ट्रेन है वो आपके घर के बाहर तो नहीं आएगी, उसके लिए आपको रोडवेज का ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको रोड का ही यूज़ करना पड़ता है। इसलिए रोड लिंक्स अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज अ फीडर मोड। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की बात करें तो इतनी लंबी रोड है तो इसे कैपेसिटी के हिसाब से 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज क्यों कहते हैं? बच्चे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है कि क्वाड्रिलैटरल जो है वो चार पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, इसी तरह ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है ये चार मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है। इसमें 6 लेन हाईवेज हैं और जिसकी देखरेख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। मेजर सिटीज जिनको ये कनेक्ट करता है वे हैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से वापस दिल्ली। तो इन चारों सिटीज को ये कनेक्ट करता है और वो एक क्वाड्रिलैटरल बन जाता है। अगर आप मैप में देखें तो नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से वापस नॉर्थ। तो अगर आप इन चारों सिटीज यानी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को मैप में आपस में जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रिलैटरल बनता है। इसके दो कॉरिडोर्स हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट
वेस्ट कॉरिडोर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं नेशनल हाईवेज। नाउ व्हाट आर नेशनल हाईवेज? नेशनल हाईवेज आर दोस व्हिच कनेक्ट द एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, इसे हम प्राइमरी रोड सिस्टम बोलते हैं। दे आर फर्स्ट इन द इम्पोर्टेंस आफ्टर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवेज। नेशनल हाईवेज की जो मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे NH1 जिसे हम बोलते हैं NH2, NH7 और NH4, बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं। और जो नेशनल हाईवे 1 है NH1, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ये कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर के वाघा बॉर्डर से। फिर उसके अलावा नेशनल हाईवे 7 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कनेक्ट करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। और नेशनल हाईवे 8 है, ये कनेक्ट करता है दिल्ली को मुंबई से। तीसरे नंबर पर आते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज वो हाईवेज हैं जो किसी भी स्टेट के कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हम अपनी स्टेट, आपने यूटी की ही बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू जो J&K का समर कैपिटल है, अब जम्मू में जो हाईवे जम्मू को उधमपुर से कनेक्ट कर रहा है या कठुआ से कनेक्ट कर रहा है या रियासी से या पुंछ से, तो उसे हम कहेंगे स्टेट हाईवे। मतलब स्टेट के कैपिटल को ये बाकी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहा है। सेम केस है कश्मीर का। इसकी मेंटेनेंस और इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है SPWD, यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये जो SPWD है, ये CPWD का ही स्टेट काउंटर पार्ट होता है। और उसके बाद ये आगे स्टेट हाईवेज, देन उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड, जैसा कि आप नाम से आपको पता चलता है, इट कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जैसे अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो रोड्स हैं, जैसे बड़ी ब्रह्मणा के साथ कनेक्ट करती है, आप कह दीजिए तालाब तिल्लो से कनेक्ट कर रहा है कोई रोड, या अखनूर से, या आरएसपुरा साइड से, तो उन्हें हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी जो रीजन्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। एंड दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक रोड्स आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बॉर्डर रोड्स। आप सोचे होंगे बॉर्डर रोड्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। बॉर्डर रोड्स, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि ये रोड्स हमारी कंट्री के बॉर्डर्स पर होती हैं। बॉर्डर्स पे आपको पता है हाई सिक्योरिटी चाहिए, बॉर्डर्स का टेरेन भी बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत रफ एंड टफ टेरेन होता है, तो इसलिए बॉर्डर रोड्स को भी बहुत टफ होना पड़ता है। तो इनको जो मैनेज करते हैं BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्हें बनाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी 1960 में, और इसकी वजह से, इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारी जो बॉर्डर रोड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही टफ हैं। और बाकी जो रोड्स हैं उन्हें अदर रोड्स की कैटेगरी में लिखा जाता है। और ये जो इनमें बहुत सारी रोड्स आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत बहुत सारे विलेजेस को कनेक्टिविटी मिली है। लेकिन अक्सर एक बात है कि ये रोड्स जो हैं कच्चा रोड्स होती हैं, बड़ा रेयर चांस है कि इन्हें पक्का किया जाता है, तो मोस्टली ये रोड्स कच्चा रोड्स होती हैं जो विलेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती। अब जब हमने रोड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, तो बच्चे आपके लिए एक्टिविटी है, फाइंड आउट द प्लेसेस लिंक्ड विद नेशनल हाईवे 2 और 3। नेशनल हाईवे 2 और 3 कौन सी प्लेसेस को लिंक करता है? यू हैव टू फाइंड आउट दोज प्लेसेस विच आर लिंक्ड बाय द नेशनल हाईवेज 2 और 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविजन ऑफ रोड्स।
तो हमें जो मेन डिविजन ऑफ रोड्स पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज्ड. तो ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज्ड वी हैव मेटल रोड्स एंड अनमेटल्ड और अनपेव्ड रोड्स. मेटल रोड्स, नाम से ही पता चलता है, मेटल रोड्स विच आर मोर स्ट्रॉन्गर, मोर हार्डर, मोर टफर देन अनमेटल्ड रोड्स. ये मेटल रोड स्ट्रांग होती हैं क्योंकि ये बनी होती हैं सीमेंट, कंक्रीट या कोल की. और ये स्ट्रांग तो हम इसे कहते हैं, और इन्हें हम ऑल वेदर रोड्स भी कहते हैं क्योंकि गर्मी, सर्दी या बारिश का इन पर कोई असर नहीं होता. दीज रोड्स आर वेरी स्ट्रांग एंड वेरी हार्ड एंड टफ रोड्स. अब जो अनमेटल रोड होती है वो इतने अच्छे मटेरियल से नहीं बनी होती है, वह बनी होती है क्ले से या रॉक से या सैंड से. और जब रेनी सीजन आता है ये जो रोड्स हैं ये मोस्टली ख़राब हो जाती हैं. इसलिए ज़्यादातर इन रोड्स का यूसेज, सही यूसेज ड्राई सीजन में ही किया जा सकता है. रेनी सीजन में इन रोड्स पर ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कीचड़ होता है, बारिश होती है, कीचड़ से सारी आसपास मिट्टी इकट्ठी हो जाती है. इसलिए थोड़ा अवॉइड किया जाता है इन रोड्स पर रेनी सीजन्स में ट्रैवल करना. अब अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ रोड्स. रोड की लेंथ तो मैंने पहले भी आपको बताई 5.89 मिलियन किलोमीटर्स, पर कितनी रोड जो है वो बिछी हुई है 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में, इसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स. प्लेन एरियाज में रोड्स बनानी इजी होती हैं, हिली एरियाज में टफ होती हैं. इसलिए रोड डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन आर कंट्री. अब आप अगर केरला में देखें तो वहाँ की रोड डेंसिटी है 517.77 किलोमीटर्स, जो कि बहुत हाई है एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक हिली एरिया है और वहाँ की रोड डेंसिटी है 12.14 किलोमीटर्स. तो ये जो रोड डेंसिटी है ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टेरेन एंड लैंड. नेशनल जो एवरेज रोड डेंसिटी है हमारी कंट्री की वो है 142.68 किलोमीटर्स. अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड्स. सबसे पहले बात, इतने ज़्यादा जो नेशनल हाईवेज होने के बाद भी हमें नेशनल हाईवेज की कमी लगती है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है. और सेकंड पॉइंट है कि इतना बड़ा रोड नेटवर्क होने के बावजूद हमें लगता है और रोड्स होनी चाहिए क्योंकि वे हर जगह नहीं पहुंच पाती. इसलिए रोड हाईवेज में एनहेंसमेंट की हम डिमांड करते हैं, हमें एनहेंसमेंट चाहिए. इतने सारे 6-lane highway, 5-lane highways वगैरह बन गए हैं और अल्टीमेटली ये सब आते तो सिटीज में ही हैं और ये एक फनल इफेक्ट होता है. जो ओपन एरियाज हैं उनमें इतने ब्रॉड हाईवेज बना दिए जाते हैं और सिटीज में आकर उनका हो जाता है कंजेशन, और ये कंजेशन का प्रॉब्लम बहुत है सिटीज या अर्बन एरियाज में. ये थर्ड पॉइंट था. और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ब्रिजेस और टनल्स हैं उनकी इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है. हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि आज ये ब्रिज गिर गया, आज वो ब्रिज गिर गया. तो इसलिए क्वालिटी ऑफ रोड्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. मोस्ट ऑफ द रोड्स इन इंडिया आर अनमेटल रोड्स, मतलब वैसे तो वो ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल करती हैं बट बरसात के मौसम में इनकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है, आधा साल वो काम ही नहीं आती हैं. तो उन रोड्स का क्या फ़ायदा, जो रोड्स आधा साल काम ही ना आए या उन पे हमेशा कंस्ट्रक्शन वर्क ही लगा रहे. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन रोड्स जो हैं वो फेस करती हैं. अब चलते हैं रेलवेज की तरफ. रेलवेज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और पहला रेलवे जो बना था वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच में ये रेलवे ट्रैक ले डाउन किया गया था. ये जो रेल लाइन थी ये 34 किलोमीटर्स के लिए बनी थी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, और यानी कि आज से 160 साल पहले ये रेलवे लाइन जो है
बिछाई गई थी एंड इट वॉज ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव्स नेम साहिब, सुल्तान एंड सिंध, एंड उसके 13 कैरेजेस थे। तो आज से 160 साल पहले जो रेल लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी, और उसकी जो लेंथ थी वो 34 किलोमीटर्स थी, और उसको थ्री लोकोमोटिव्स वो ऑपरेटिंग इट विच वर नेम्ड साहिब, सुल्तान एंड सिंध, और उसके 13 जो हैं वो कैरेजेस थे। रेलवेज को हम प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोग जो हैं रेलवेज में ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग कल्चर के लिए, रिलीजन के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली मीटिंग्स के लिए, और हम इसके साथ मालगाड़ी भी हम देखते हैं जो फ्लाइट को लोड अनलोड होता है रेलवेज के ज़रिए, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो डन थ्रू रेलवेज। रेलवेज हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स विड्थ। ज़्यादा ब्रॉड है तो उसे ब्रॉड गेज कहते हैं, 1 मीटर की विड्थ है तो उसे मीटर गेज कहते हैं, और उससे कम है तो उसे कहते हैं नैरो गेज। रेलवे जोन्स में डिवाइडेड है। इतना बड़ा रेलवेज का नेटवर्क है जिसमें 7,137 स्टेशन हैं और 66,687 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। तो रेलवेज ने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे 17 जोन्स में डिवाइड किया है, जो फर्दर सब डिवाइडेड हैं डिविजन्स में, और हर डिविजन का एक डिविजनल हेडक्वार्टर होता है। टोटल जो है 73 डिविजन्स हैं रेलवे के। अब आप सोचे होंगे जोन्स कौन कौन से हैं। जोन्स हैं नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और भी बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं। Now railways are the largest public sector undertaking in our country. इसमें अभी तक private companies नहीं आई हैं। अब railways के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, तो अब बच्चों आपके लिए एक activity है। Let's find out something. Find out the current railway zones and their headquarters. Then उसके बाद Also, locate the headquarters of railway zones on the maps of India. ये दो काम आपके लिए हैं, दो assignments आपके लिए हैं, आपको ये दोनों करने हैं। अब बात करते हैं distribution pattern of railways in India की। तो 3 factors हैं जो distribution pattern को influence करते हैं, physiographic, economic and administrative. पहले बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि इंडिया का नॉर्थ, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन ये जो बेल्ट है जो कि प्लेन एरिया है और हाई पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेलवेज का नेटवर्क ज़्यादा है। बट यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि हिमालयन माउंटेन से निकल कर आती हैं। इन रिवर्स पर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पेनिनसुलर रीजन यानी कि सदर्न रीजन। यहाँ की प्रॉब्लम है कि यहाँ हिली एरियाज जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और इन दोनों के बीच में डेक्कन प्लेट्यू है। इन एरियाज में रेलवे ट्रैक्स को गैप्स और टनल्स में बिछाना पड़ता है। और उसके अलावा अगला डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिया में है हिमालयन माउंटेन्स में है। नाउ दिस एरिया इज अनफेवरेबल फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा स्लॉपी एंड हिली एरियाज हैं। सिर्फ ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं हैं, यहाँ स्पार्स पॉपुलेशन है यानी कि कम पॉपुलेटेड एरियाज हैं। तो अगर यहाँ ट्रेन चलाई भी जाती है तो पैसेंजर्स ही नहीं होंगे, और इसके अलावा हिली एरियाज में ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम होती हैं। So all these factors, they make Himalayan mountains unfavorable for railway construction. Therefore, they suffer from low development of railways. Railways को बहुत सारी challenges face करनी पड़ती हैं। कुछ जैसे sandy hill, sandy areas, hilly and mountainous region जो हैं,
वहां पर जब रेलवे ट्रैक्स बिछानी पड़ती है, जब ट्रैक्स को लेआउट किया जाता है, तो वहां जो है रॉ मटेरियल और लेबर को ले जाने में बहुत सारी दिक्कत आती है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर रिवर्स हैं तो वहाँ भी बहुत ही मुश्किल होती है, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ट्रैक्स तो बना देती है, बट कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो नीचे बैठ जाती है, या किसी वजह से रेलवे लाइन जो है सिंक हो जाती है, या कई बार लैंडस्लाइड आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं। उनको इतना ईजिली क्लियर नहीं किया जा सकता, उनको क्लियर करना एक थोड़ा टफ काम है एज़ कम्पेयर टू रोड्स। रोड्स को जल्दी क्लियर किया जा सकता है, रेलवेज को क्लियर करना इज़ नॉट दैट ईजी। उसके बाद रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करना एक बहुत बड़ा और भारी भरकम काम है, क्योंकि लोहे के ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, वुडन प्लैंक्स लगाने पड़ते हैं, एक ट्रेन बनानी पड़ती है, रेलवे स्टेशन बनाने पड़ते हैं, तो इन सब का जो गवर्नमेंट पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। और लेकिन हम लोगों के लिए बेशक इट इज़ अ वेरी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट लेइंग डाउन और द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रेलवेज इज वेरी हाई। जैसे मैंने बताया, रेलवेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं फॉर इंडियन रेलवेज। गवर्नमेंट तो इतना ज़्यादा स्पेंड करके हमारे लिए रेलवेज बनाती हैं, ट्रेन्स बनाती हैं, स्टेशंस बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडियन रेलवेज को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी नॉर्मल आपको लगेगा शायद ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉन्ग रन में गवर्नमेंट एक्सचेकर पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, किराया रेलवेज का बहुत नॉमिनल है, उसके बावजूद लोग कोशिश करते हैं कि हम टिकट ना खरीदें और हम फ्री में ट्रेन में बैठ जाएं। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ दी हैं ट्रेन्स में, स्टेशंस पे, पर लोग जो हैं उन्हें रहने नहीं देते, वो चोरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्टली वो हमें ही होता है, हम लोग टैक्सेस भर रहे हैं, हम सबको नुकसान है, लेकिन हम लोग ये समझते नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में ये है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट की चीज़ है। हम ये नहीं सोचते कि गवर्नमेंट भी तो हमारी है, कंट्री भी हमारी है, हम इस कंट्री में रहने वाले हैं, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें लगाई हैं, लेकिन इतना नहीं हम सोचते, उसके बावजूद हम उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी टैप्स लगी होती है रेलवे स्टेशंस पे तो उनको चोरी कर लेते हैं लोग, कोई और गवर्नमेंट ने पॉइंट्स, टिकट काउंटर्स बनाए हैं, बेंचेस बनाए हैं बैठने के लिए, आपके हर तरह की फैसिलिटी दी है, स्टेयर्स लगाई हुई हैं, एस्केलेटर्स हैं, लेकिन हम उनको उनका मिसयूज़ करते हैं, उन्हें सही ढंग से हम यूज़ नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। फिर उसके बाद कई बार तो हम बिना किसी बात पे ही चेन खींच देते हैं, ये चेन जो है एक इमरजेंसी के लिए लगाई होती है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि चेन खींचने से कितना ज़्यादा फ्यूल का नुकसान होता है, लेकिन हम लोगों के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि हमारी कंट्री में शायद इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, अगर स्ट्रिक्टनेस हो, हमें कुछ डर हो, तो हम ऐसा काम नहीं करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन रेलवेज को फेस करनी पड़ती है। और हम बींग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ हमारे फायदे के लिए, हमारी जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, जहां हम रह रहे हैं उस जगह का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी कंट्री की हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो सरकार की है, हमारा क्या है। हम लोग अक्सर ऐसी बात सोचते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा ना सोचें तो हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचें, बट ऐसा नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसा हम अपने घर का या अपने आप का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी कंट्री की हर चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अगर हम में से एक इंसान भी अगर हम सोचें कि मेरे खाली सोचने से क्या होता है, ऐसा नहीं है, हर इंसान सोचेगा
तो जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बहता है, वैसे ही अगर हर इंसान की अच्छी सोच आएगी तो हमारी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। अब रेलवे के बारे में इतना कुछ बताने के बाद बच्चे आपके लिए एक काम है। आपको पता है कुछ साल पहले हमारी यूटी जो हमारी जेएनके जो पहले एक स्टेट थी, अब वो यूटी बन गई है। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक सिर्फ जम्मू तक था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सटेंड हुआ और वो उधमपुर तक गया, फिर वहाँ से वो अब कटरा जहाँ वैष्णो माता वहाँ तक वो गया। एक रेलवे ट्रैक बनिहाल बारामूला में भी है, आप में से कई लोगों ने वहाँ ट्रैवल किया होगा, कई ने नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया अभी तक, पर चलिए। तो रेलवे ट्रैक हमारे अब कटरा से भी हमारा कश्मीर तक कनेक्ट हो रहा है, रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, अगले कुछ सालों में हो जाएगा। तो आपके लिए एक एक्टिविटी है कि दिस रेलवे लाइन जो एक्सटेंड हो गई है फ्रॉम बनिहाल टू बारामूला इन कश्मीर वैली, तो आपको यू हैव टू लोकेट दीज टू टाउन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के मैप में बनिहाल और बारामूला को मार्क करना है जहां पे रेलवे लाइन जो है एक्सटेंड हुई है। दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू। अब बात करते हैं पाइपलाइंस की। पाइपलाइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहले पाइपलाइंस हम यूज करते थे सिर्फ नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट नाउ वी यूज इट फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड आयरन ओर। अब इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जब हम पाइपलाइन ले डाउन करते हैं तब थोड़ी कॉस्ट पड़ती है हमें, पर ये कॉस्ट एफिशिएंट है। ले डाउन करने में थोड़ा कॉस्ट हाई रहता है बट इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। एक बार अगर पाइपलाइन डल गई तो यू डोंट हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन इट, सो इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। और थर्ड पॉइंट है कि पाइपलाइन के जरिए ट्रांसशिपमेंट लॉसेस या डिलेज नहीं होते जो कि रेल रोड या किसी और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हो सकते हैं। इनलैंड रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ब्रौनी में है, मथुरा में है, पानीपत में है, और पाइपलाइन जो हैं वो अब हर जगह फैली हुई हैं, इतनी यूजफुल हैं और नेचुरल गैस वगैरह के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तीन मेन पाइपलाइंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक वो है जो नॉर्थ ईस्ट को यूपी से कनेक्ट करती है, यानी कि अपर असम के कानपुर से, अपर असम को कानपुर से कनेक्ट करती है वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। सेकेंड वन इज जो गुजरात को पंजाब से कनेक्ट करती है, यानी कि वेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ऑफ इंडिया से कनेक्ट करती है। ये सलाया जो कि गुजरात में है उसको कनेक्ट करती है जालंधर जो कि पंजाब में है, और इसका रूट है वाया विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। और जो थर्ड पाइपलाइन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है और इसका बहुत ही एक्सटेंसिव सा नेटवर्क है। ये पाइपलाइन हजीरा जो कि गुजरात में है उसे कनेक्ट करती है जगदीशपुर जो कि यूपी में है, और इसका रूट है ये आती है वाया विजयपुर इन एमपी मध्य प्रदेश, देन कोटा, शाहजहांपुर एंड बपरोला। तो ये पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये पूरा लेसन जितना हमने पढ़ा है उसके बाद आपके लिए कुछ असाइनमेंट है बेटा। ये असाइनमेंट आप लोगों को ज़रूर अटेम्प्ट करनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस के जब आप आंसर ढूंढेंगे तो आपको इस लेसन की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाया द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल द लाइफ लाइन्स ऑफ अ नेशन एंड इट्स इकॉनमी। सेकेंड है नेम थ्री मेजर सुपर हाईवे प्रोजेक्ट्स, वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। देन फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईवे। क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवेज टुडे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया।
बच्चे आज के वीडियो में हमने रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस के बारे में पढ़ा है। तो उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए हैं कुछ बीच में, और लास्ट में भी आपको असाइनमेंट दिए हैं। तो आप ये सब असाइनमेंट्स करिए, और जितने भी आपको एक्टिविटी वर्क दिए हैं वो भी करिए, और स्टे होम, स्टे सेफ। बाकी इस लेसन का हिस्सा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।